नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल आरोग्यम में। आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके होंठ काले पड़ गए हैं तो आप उसको घर में ही कुछ ऐसे आसान से उपाय अपनाकर उन्हें कैसे गुलाबी बना सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। मैं जो आज आपको तीन तरीके बताऊंगी वो बनाना बेहद ही आसान है और वो बहुत ही ज्यादा असरदार है, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप उन टिप्स को अच्छे से समझ सके और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो मैं रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये आदमी और औरत दोनों के लिए असरदार है। अगर किसी के होंठ सिगरेट पीने की वजह से या पोल्यूशन या शरीर में किसी भी कमी के कारण काले हो गए हैं तो आप इस रेमेडी को अपनाइए, आप उनको दोबारा से वही नेचुरल गुलाबी कलर उन्हें दे सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ठंडा दूध। तो हम एक बाउल में पहले 1 चम्मच हल्दी लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ठंडा दूध। आपको इसका एक पेस्ट बनाना है गाढ़ा सा। इस पेस्ट को आपको पतला नहीं रखना है, इतना ही गाढ़ा रखना है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट तैयार है, आपको इस पेस्ट को अपने होठों पर लगाना है और हल्के से मसाज करनी है। फिर इस पेस्ट को आपको 5 से 10 मिनट के लिए अपने होठों पर लगे रहने देना है, उसके बाद इसे आप ठंडे पानी से धो लेंगे। इस उपचार को आप 1 हफ्ते तक करके देखिए। आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपके होठों का नेचुरल कलर वापस आ गया है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी टिप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए नींबू का रस और शहद। हम लेंगे 1/2 चम्मच शहद में हमें 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। इसे भी आपको अच्छे से मिला लेना है चम्मच से। इस पेस्ट को आपको रात को सोने से पहले अपने होठों पर लगाना है और इसको लगे रहने देना है, आपको इसको धोना नहीं है। आप सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर सकते हैं, रात भर के लिए आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए अपने होठों पर। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी टिप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 चम्मच शहद में हमें 1/2 चम्मच रोज़ वाटर मिलाना है। आधा चम्मच शहद और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच रोज़ वाटर। और इसको फिर अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इस पेस्ट को आप दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप थोड़ी देर इससे मसाज कीजिए और 5 मिनट के लिए लगे रहने दीजिए। फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने होठों को साफ कर सकते हैं। आप इन रेमेडीज़ को अपना कर देखिए, आपको 1 हफ्ते के अंदर इनके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे और आपके होठों का रंग पहले की तरह नेचुरली गुलाबी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेमेडी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आरोग्यम आपके निरोगी जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।